मतलब अगर टेस्ट सीरीज नहीं थी तो मैं कुछ भी नहीं थी। कि मेरी एजुकेशन जरूर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुई है और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ और ABCD भी है और छठी क्लास के अंदर है, पहली बार सीखी थी, लेकिन मैंने उन विद्यार्थियों को चुनौती पेश की थी और उन चुनौती को मैंने हर जगह पर है उसको प्रमाणित भी किया है। मैंने मेरे जीवन की जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो पटवारी से की थी। सबसे पहले मैं है वो पटवारी लगा था, उसके बाद मैं है वो ग्राम सेवक लगा था, उसके बाद मैं थर्ड ग्रेड टीचर था, उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड टीचर था, फिर असिस्टेंट जेलर में RPSC टॉप की थी, फिर है वो स्कूल लेक्चरर था, फिर इसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, इसी स्कूल के अंदर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें भी मैं है वो सिलेक्ट हुआ था, और उसके बाद मैं कॉलेज लेक्चरर भी मैं है वो रहा था, और फिर RS 2012 के अंदर 108वीं मेरी है वो मेरिट आई थी, तो उसके मैं वर्तमान में है राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर हूँ, और वहाँ पर भी मैं एक आपको बात बताऊँगा। देखिए ईश्वर अपने से क्या चाहता है, कब चाहता है कि अपने को जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। RS के अंदर मेरी 108वीं मेरिट थी और उसके अंदर मेरे को DSP मिल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं है वो फर्स्ट वेटिंग में रह गया। थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि यार अपन फर्स्ट वेटिंग में रह गए, और उसके जस्ट एक महीने के बाद में है वो IAS का एग्जाम था दिसंबर के अंदर। 4-5 दिन दुखी रहा, लेकिन मैंने कैसे ही अपने आप को मैनेज किया, और देखिए दोस्तों मैनेज करने का क्या बेनिफिट मिला कि जो DSP बनना था वो D आगे से हट गया और मैं SP बन गया। बात ये है कि अपन जीवन के अंदर चाहते क्या है, अपन अपने आप को कितना डिवोट कर पाते हैं। तो आज मुझे है वो IAS के अंदर 170वीं मेरिट है वो मिली, और मैं जनरल कैटेगरी से है वो बिलोंग करता हूँ, तो मुझे IPS मिला। मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ, मैं वापस तैयारी कर रहा हूँ, और इस बार मुझे आशा है कि हिंदी माध्यम के अंदर IAS में किसी की अभी तक फर्स्ट मेरिट नहीं आई है, और मेरी ये पूरी की तमन्ना है कि कम से कम मैं यहाँ उस स्थान तक है वो पहुँचूँ। कि जीवन आपको सिर्फ कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में एक बार आदमी को जीवन मिलता है, तो बहुत ही शानदार आप लोगों को है वो जीवन मिला है। इस जीवन को आप इंजॉय कीजिए, कभी भी घमंड मत कीजिए, चाहे आप जीवन में कुछ भी बन जाओ हमेशा बेहतरीन रहिए। और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि अगले साल जब प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग है वो यहाँ पर आने का मौका मिले। थोड़ी सी देर पहले मैं देख रहा था कि मालाएँ कम पड़ रही थी, तो अगले साल इतनी संख्या माना कि सब मालाएँ कम पड़ जाए, ठीक है, इतनी संख्या में यहाँ पर आना, और तब इनको है वो रियल खुशी होगी इस कोचिंग संस्थान को। पुनः मैं एक बार है इस कोचिंग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे किसी मैगजीन के कवर पेज पे आना है। मुझे भी जीवन में उसी दिन खुशी हुई कि इस बार जब PD के ऊपर सब जगह पर मुझे कवर पेज के ऊपर है वो जगह मिली। ऐसी चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्रॉनिकल PD सब जगह कवर पेज पे मिला, और आज क्रॉनिकल पे प्रेम सुख डेलू के नाम से या YouTube के ऊपर अनेक वीडियो चलते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। आप भी अपने जीवन में ऐसे टारगेट रखना, और हमेशा युवाओं को है वो प्रेरणा देते रहना। कभी सिलेक्शन होने के बाद में ये मत कहना कि ये एग्जाम बड़ा हार्ड है, हमेशा ये कहना बहुत ईजी है, और यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये एग्जाम है वो कर सकते हो। एक बार पुनः आप सभी लोगों को है वो मेरा धन्यवाद। क्योंकि धीरता वीरता को हरा देती है और धैर्य शौर्य को परास्त कर देता है।